कहते हैं कि काशी में कभी कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता, उन सभी लोगों की भूख को मिटाने के लिए, उनकी भूख को अच्छा रखने के लिए, उनको भोजन देने के लिए। आप देख सकते हैं कि स्वयं इतनी उम्र में होने के बावजूद भी ये अपने हाथों से सफाई कर रहे हैं और इतनी 90 वर्ष की उम्र है इनकी जी। इसमें दो सब्जियां हमको मिले हैं और चावल, सांबर, पापड़, अचार, पानी, यही सब। हाँ। देखिए ये सांबर बनाने की मशीन है जिसमें सांबर बनाया जाता है। कैसे बनते हैं? इतना स्वादिष्ट खाना बाहर भी नहीं मिलता। तो देखिए कितने एक थाली में इतनी वैरायटी का परोसा हुआ खाना, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण जनता का सेवा है, भक्तों का सेवा। जो जो दर्शनार्थी आते हैं, बाहर से दर्शन करते हैं बाबा विश्वनाथ का, माता अन्नपूर्णा का, उनको प्रसाद दिया जाता है, निःशुल्क मिलता है। लाजवाब खाना है इसका। वाकई टेस्ट जो है, जो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे जो खाने का टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, और मैंने खुद सोया में खाना खाया। कितने लोग खाना खा लेते हैं? कोई सीमा नहीं। कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है। अच्छा, स्वाद इतना अल्टीमेट है कि आप खुद भी खाएंगे तो कहेंगे कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए पिक सकते हैं। इतनी ठंड में भी बाबा जी लगातार सफाई कर रहे हैं और इसी व्यवस्था में सफाई कर रहे हैं, मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी आज भी अपने सामाजिक कार्य का बहुत करता है। हम लोग क्या क्या काम करते हैं? निःशुल्क वाला पाठशाला है, निःशुल्क का हॉस्पिटल भी है, वृद्धाश्रम भी है, और साल में एक दफा गरीब लोग का शादी करता है, यज्ञों पर संस्कार भी करता है, कई तरह का सेवा है करता है। अभी भी ठंडी आ गया, ठंडी के लिए कंबल भी महाराज बांटेगा। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात, अपना उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़, और उसके साथ मैं हूँ कनिका। आज हम यहाँ पे काशी में मौजूद है और हमने यहाँ पे कई लोगों से बातचीत की है, लोगों से जाना, तो यहाँ पे हमने एक रसोई का नाम सुना जिसका नाम है माँ अन्नपूर्णा रसोई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं। इस रसोई की चर्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, ये रोज़ाना बेस पर यहाँ पर भंडारा करवाया जाता है, और एक कहावत है कि काशी में कभी कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता, उन सभी लोगों की भूख को मिटाने के लिए, उनकी भूख को अच्छा रखने के लिए, उनको भोजन देने के लिए ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। यहाँ के कार्यकर्ताओं से हमने बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर डे 8,000 से 10,000 लोग खाना खा के जाते हैं, और यहाँ की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट हो रखा है, पत्तल में भोजन परोसा जा रहा है, और सफाई के क्षेत्र में अगर हम बात करें, क्योंकि सफाई एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जैसे खाना खा के लोग उठते हैं यहाँ पे सफाई होती है, और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भाव के साथ इन यहाँ पे लोगों को खाना परोसा जाता है। आगे हम लोगों से बात करेंगे, यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनसे जानेंगे कि यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो कैसा है। बैठकर खाना खा रहे हैं और कहा जाता है कि जो यहाँ का भोजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट है, तो आइए इनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ के भोजन को लेकर जो उनका स्वाद है, जिनको मुंह में स्वाद गया है, वो उनको कैसा लग रहा है, क्या वाकई यहाँ का जो भोजन है वो स्वादिष्ट है या नहीं है, इनसे पूछते हैं। सर 2 मिनट लगेंगे। जो आप ये खाना खा रहे हैं यहाँ पे, इसका टेस्ट कैसा है, जो इसका भोजन का स्वाद है वो कैसा है? टेस्ट बहुत अच्छा है, सब खाने में जो भी खाना मिला है सब एकदम बढ़िया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा खाना। सर आप पहली बार आए हैं यहाँ पे खाना खाने? पहली बार आए हैं। जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है भंडारे के तौर पे, इतने लोगों को खाना दिया जा रहा है, उसमें क्या आपको लगता है, कैसा कदम दिया? नहीं, बहुत अच्छा कदम है, सरकार ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर नहीं खा पाते, कम से कम उनके लिए तो उनका पेट भर रहा है, और बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया। सफाई की दृष्टि में देखा जाए तो सफाई व्यवस्था जो है यहाँ पे वो कैसी? सफाई बहुत बढ़िया है, हमें सब बिना साफ किए किसी को दे ही नहीं रहे हैं, सफाई उफाई सब बढ़िया है। अच्छा, खाने में क्या क्या है यहाँ पे, व्यंजन में क्या क्या मौजूद है? जी इसमें दो सब्जियाँ हमको मिली हैं और चावल, सांबर, पापड़, अचार, पानी, यही सब अभी तक मिला है। तो आप संतुष्ट है खाने? एकदम एकदम संतुष्ट। चलिए बाबा धन्यवाद, आइए अंदर देखते हैं। यहाँ पे खाना बनाना जो कहते हैं कि, सुनने में आया है कि यहाँ पे हम जब घुसे तो देखा हमने कि खाना बनाने की मशीनें हैं यहाँ पे, तो इन मशीनों का एक बार देखते हैं यहाँ पे कैसे कार्य होता है, इनसे बातचीत करते हैं यहाँ पे इस व्यवस्था को लेकर। सर यह बताइए कि यहाँ पे जो मशीनें ये काम कर रही है, ये मशीनें कहाँ से लाई गई हैं और किस तरह का खाना बनता है यहाँ पे? ये दक्षिण भारत से आया हुआ मशीन है। कितनी क्वांटिटी में खाना बनाया जाता है यहाँ? कोई लिमिट नहीं है, जितने लोग आ जाएं
4,000, 5,000, 10,000 की कोई लिमिट नहीं। आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरे को तो हो गया कम से कम 22-23 साल हो गए। 22-23 साल हो गए हैं। 22-23 साल में आपने कई लोगों को खाना खिलाया और कहा जाता है काशी में कोई भूखा नहीं सोता। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इस ये कार्यक्रम मतलब जो करा जा रहा है, इसमें क्या उद्देश्य है लोगों, मतलब जो आप लोगों को खाना खिला रहे हैं उसमें क्या उद्देश्य? जनता का सेवा है, भक्तों का सेवा। जो दर्शनार्थी आते हैं, बाहर से दर्शन करते हैं बाबा विश्वनाथ का, माता अन्नपूर्णा का, उनको प्रसाद दिया जाता है, निःशुल्क मिलता है, निःशुल्क खाना मिलता है यहाँ पे। कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? लगभग 100 आदमी के आसपास होंगे। तो आप ये जो कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इसको करने में आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है। चलिए देखिए, इन्होंने बताया कि इनको ये सेवा करने में कितना अच्छा महसूस होता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं कि ऐसी सेवाओं में अपना योगदान दे पाते हैं। तो ये लोग योगदान दे रहे हैं। देखिए, आप देखिए, यहाँ पे भट्टी जली हुई है, इस पे खाना बन रहा है, और आप देख सकते हैं कि सफाई की जो चीज़ होती है, कितने साफ़ सुथरे खाना है यहाँ पे, प्रॉपर खाना ढका जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए मशीन है, ये शायद दाल बनाने की है। भैया, किस चीज़ की मशीन है? इसमें सांबर बनता है। सांबर बनता है? जी जी। हाँ, देखिए, ये सांबर बनाने की मशीन है जिसमें सांबर बनाया जाता है। कैसे बनता है भैया, इसमें थोड़ा बताएंगे थोड़ा सा? इसमें सारा मटेरियल पड़ जाता है, यहाँ से चालू होता है अपने आप, जो कि रेडी हो जाता है बनकर। कितना समय लगता है बनने में? 1 घंटा। हाँ, इसमें करीबन 1.5 क्विंटल के लगभग में माल होता तैयार है एक बार में। चलिए देखिए, यहाँ उन्होंने बताया कि 1.5 क्विंटल सांभर 1 घंटे के अंदर बन जाता है। तो आप ये देखिए कितने लोग इस चीज़ को खाते हैं और कितना स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि हमने जब इसकी शक्ल देखी, ऊपर से देखने में ही इतना ही स्वादिष्ट लग रहा था, तो अंदर खाने के बाद क्या मज़ा होगा, इसके बारे में ज़रूर बताएंगे आपको। आइए, बाकी और मशीन भी है यहाँ पे, उनके बारे में पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। ये भी यहाँ पे कार्य करता है, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? बबलू सहानी। अच्छा, कितने साल हो गए काम करते करते, सेवा करते हुए आपको? हमें 5 महीना हुआ है। 5 महीना हुआ है। 5 महीना हुआ है। कैसा महसूस होता है सेवा करके आप? बहुत अच्छा। हा? बहुत अच्छा। अच्छा, जो यहाँ पे लोग रोज आते हैं, उनको जब आप खाना परोसते हैं, तो जो उनके मुख पे एक खुशी देखने को मिलती है, वो आप देख कर कैसे, कितना कैसे महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ये काम करने का उद्देश्य, मतलब यहाँ पे काम करने का क्या मतलब रहा, क्या किस भाव से आए थे आप? प्रेम भाव से आए थे, माता जी का नाम करने के लिए, माता रानी का। आइए देखिए, यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं, मशीनें हैं जिनमें खाना बन रहा है। ये देखिए, यहाँ पे ये सब्जी बनाई जा रही है, पूरा सेटअप करा हुआ है, बर्तन धुलने का अलग सा एक स्थान है। बाकी लोगों से बातचीत करते हैं आगे। माता अन्नपूर्णा भोले बाबा की कृपा से हो रहा है, और हम सब बहुत कृतार्थ हैं जो ये प्रसाद पा गए यहाँ पे आकर के, और आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे जितने भी लोग हों वो आकर के माता अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करें। यही हम आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहेंगे कि माता अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण किए बगैर बाबा विश्वनाथ के दर्शन अधूरे हैं। आपने इससे पहले भी खाना खाया है, तो यहाँ के स्वाद के बारे में थोड़ा बताएंगे? स्वाद का तो जिस हिसाब से यहाँ कुछ भी नहीं पड़ता, लहसुन अदरक मिर्चा, मिर्च तो पड़ती है, लहसुन अदरक नहीं पड़ता, लेकिन स्वाद इतना अल्टीमेट है कि आप खुद भी खाएंगे तो कहेंगे कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए, पीछे कुछ महिला बैठी है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनकी राय और पूछ जी हैं। और आप देख सकते हैं कि स्वयं इतनी उम्र में होने के बावजूद भी ये अपने हाथों से सफाई कर रहे हैं, और इतनी 90 वर्ष की उम्र है इनकी। इनसे लगातार हम बात करेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर। आइए इनसे बात करते हैं पहले। बट आप देखिए, ये अपने हाथों से खुद स्वयं सफाई कर रहे हैं, मतलब कोई भी संचोक नहीं है, कोई भी हेजिटेशन नहीं है, इनको कितना आनंद आ रहा है और लोग कितने आनंदित होकर खाना खा रहे हैं ये देखना। देखिए, करते हैं वो यही करते हैं, इनसे बात करेंगे पहले। बाबा जी, ये बताइए, ये जो सेवा की जा रही है, कितने सालों से की जा रही है? मैं 21 साल से कर रहा हूँ। आप 21 साल से कर रहे हैं? अच्छा, कैसा महसूस होता है सेवा करके, भाव देख के? कुछ भी नहीं, माई का कृपा है बस। अच्छा, आपने हमने देखा कि आप खुद स्वयं सबकी टेबलों को साफ कर रहे हैं, इसलिए संस्था चल रहा है। हाँ? इसलिए संस्था चल रहा है। यहाँ पे रोज कितने लोग खाना खा लेते हैं? कोई सीमा नहीं। कोई सीमा नहीं है।
अच्छा ये बताइए कि हमने सुना कि यहाँ पे एक और कार्यक्रम चलता है, कहीं और भी एक कार्यक्रम चलता है यहाँ का, तो वहाँ पे भी सेम स्वाद है खाने का और सेम लोग आते हैं? सेम। अच्छा आप एक और यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए कि यहाँ पे जो खाना पान है, जो चीज़ें बनती हैं, उनकी बनाने की तरीके, क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी। अच्छा ठीक है। और आप हमारे ऑडियंस को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अन्नपूर्णा के नाम? भगवती नाम से, भगवती का कृपा से सब कुछ चल रहा है, उसे प्रेम से सब कुछ हो जाएगा, विश्वास भक्ति श्रद्धा होना चाहिए। कहा जाता है कि काशी में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता, और जो आप ये कार्यक्रम प्रयास कर रहा है अच्छा। उसको सत्य करने के लिए हमेशा 24 घंटे हमें प्रयास कर रहा है। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो आपके पास संपत्ति आती है वो कहाँ से, मतलब किस जरिए से आती है? आपका जैसा आदमी दे रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, पूछता नहीं है। और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर कुछ बताना? देवी के लिए पैसा का जरूरत भी नहीं है, पैसा खुद ही आएगा, नहीं आया तभी ऐसा ही चलेगा। माई के पास इतना शक्ति है, हमें भाषा में बोलने का नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, हमने इनसे बातचीत की है और ये बता रहे हैं कि 21 साल हो गए हैं इनको यहाँ पे कार्य करते हुए, सेवा करते हुए, और आप देख सकते हैं इतनी ठंड में भी बाबा जी लगातार सफाई कर रहे हैं और इसी व्यवस्था में सफाई कर रहे हैं। मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी आज भी अपने हाथों से सफाई करते हैं, तो ये एक प्रेम भाव देखने को मिलता है लोगों के प्रति। और इन्होंने बोला कि काशी में, जैसे कि हम जानते हैं काशी में कोई भूखा नहीं सोता, तो इनका यही कहना है कि हमारी कोशिश रहती है कि काशी में कोई भी व्यक्ति भूखा ना जाए। और कई दात लोगों में, कई ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पे आते हैं, खाना खाते हैं। सामाजिक कार्य बहुत करते हैं हम लोग। क्या क्या काम करते हैं? निःशुल्क वैद्य पाठशाला है, निःशुल्क हॉस्पिटल भी है, वृद्धाश्रम भी है, और साल में एक दफा गरीब लोग का शादी करता है, एक नौ पर संस्कार भी करता है, कई तरीका सेवाएँ करता है। अभी भी ठंडी आ गया, ठंडी के लिए कंबल भी महाराज बांटेगा। महाराज जी जो हैं वो कहाँ पे बैठते हैं, मतलब वो कहाँ बैठते हैं? अन्नपूर्णा मंदिर में। तो इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने वाले वही हैं, सेवा को स्टार्ट करने वाले महाराज जी हैं। महाराज जी के बारे में थोड़ा बताएंगे? ट्रस्ट है ना, ये अकेला आदमी नहीं है, ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट में इतना लोग है, सभी लोग मिला कर ये काम चल रहा है। थोड़ा सा विस्तार में महाराज जी के बारे में बताएंगे? महाराज अभी नया नियुक्ति हुआ ना, पुराना जो महंत जी अभी नया वो नहीं हो गया, 2 महीना हो गया, ये नया आया अभी, नया ना, फिर भी अंटे इधर ही जोड़ा हुआ है, बहुत मीठा आदमी है। अच्छा। उनका व्यवहार कैसा है, उनकी जो पहले से बचपन से इधर ही रहता है ना, सबसे प्रेम करता है, हमें भी प्रेम करना बस। और काशी के लोगों को हमेशा से कहा जाता है कि बहुत प्रेम भाव से रहने वाले लोग हैं, तो आप थोड़ा बताएंगे काशी के बारे में क्या विचारधारा है आपकी? काशी में अच्छा है, प्रकाश हुआ, बहुत प्रकाश हुआ, ये 21 साल से देखा है, अभी काशी बहुत प्रकाश हुआ, अभी भी होगा, भी है, माई का कृपा, बाबा का कृपा भी है। चलिए हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के अलावा भी कई सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, लोगों को कंबल बांटना, साल में एक बार शादी कराना, हॉस्पिटल हैं, एजुकेशन सेंटर हैं, तो मतलब आप ये देखिए कि कितना अच्छा भी है, ट्रेनिंग स्कूल भी है। अच्छा। हाँ गरीब को शिक्षा भी दी जाए फ्री। अच्छा एवरीथिंग फ्री। देखिए इनसे हमने बात की है, वो भी फ्री, और टाइलिंग स्कूल महिला लोग का सिखाता है, सिलाई कढ़ाई वो भी फ्री, सब कुछ जो भी काम चलता है माई का कृपा बाबा का कृपा से चल रहा है। देखिए इन्होंने बताया कि महिलाओं को कढ़ाई बुनाई सिखाई जाती है, बच्चों को, बच्चियों को, लड़कों को कंप्यूटर की सर्विसेज जो होती हैं ऑपरेट करना वो सिखाया जाता है, तो कितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। कि भोजन देखिए यहाँ पे हम लोग खुद मौजूद हैं, आज मैं खुद स्वयं इस भोजन को ग्रहण करके बताऊंगी आपको कि वाकई ही इस भोजन का स्वाद कैसा है और क्या क्या थाली में परोसा जा रहा है। देखिए आप देखिए यहाँ पे अभी सफाई होगी, इसके बाद यहाँ पत्तल दिया जाएगा, पत्तल देने के बाद बहुत ही प्रेम भाव से यहाँ पे खाना परोसा जाएगा। आगे मैं आपको खाने के बारे में बताऊँगी, खाने का और क्या क्या है यहाँ पे, सांभर थोड़ा दीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, देखिए सांभर भी यहाँ पे डाला है इन्होंने कड़ी चावल के ऊपर, और आप देख रहे हैं लगातार महाराज जी भी यहाँ पे सफाई जो है वो करते जा रहे हैं, कई तरह का भोजन यहाँ पे थाली में।
परोसा जा रहा है, कह सकते हैं कि बहुत देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, और देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कैसा लगेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, खाते हैं, बताती हूँ मैं आपको कैसा टेस्ट है यहाँ का। देखिए यहाँ पे आलू फ्राई सब्जी है और वाकई बहुत स्वादिष्ट टेस्ट, मतलब बिना लहसुन प्याज के खाना बन रहा है और इतना स्वादिष्ट ये खाना कि इतना स्वादिष्ट खाना बाहर भी नहीं मिलता। तो देखिए कितने एक थाली में इतनी वैरायटी का परोसा हुआ खाना, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और देखिए कई लोग मेरे साथ बैठ के, एक बच्चा भी खा रहा है खाना और कितने स्वाद से खाना खा रहा है ये। तो मैं खाती हूँ और बताती हूँ आपको कैसा टेस्ट है यहाँ का। देखिए बहुत ही लाजवाब खाना है इसका, वाकई टेस्ट जो है, जो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे जो खाने का टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, और मैंने खुद स्वयं ये खाना खाया है तो इसका टेस्ट